हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हम देखेंगे लेक्चर 1 का पार्ट 2। ये सारे लेक्चर्स हिंदी में हैं और अभी हम जावा का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। जावा के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जावा एक सिंपल लैंग्वेज है, इजी टू लर्न। जावा लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज है। लगभग 100% ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकती है। जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है जो ओवर द नेट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसके एग्जांपल हैं एपलेट, एगलेट, सर्वलेट या आरएमआई। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। बेसिकली जावा के प्रोग्राम्स ऑन द नेटवर्क हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और बहुत बढ़िया लाइब्रेरीज जावा में नेटवर्किंग को यूज़ करने के लिए होती हैं, जिसमें TCP UDP को यूज़ करने के लिए, सॉकेट प्रोग्रामिंग को यूज़ करने के लिए एक रिच लाइब्रेरी जावा प्रोवाइड कर रही है। इसे एक बहुत आसानी से हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो ओवर द नेटवर्क वर्क करे। तो जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड है, जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है रेदर देन कंपाइल्ड लैंग्वेज। यानी यहाँ पर कंपाइलर होता है, पर कंपाइलर का पर्पज़ सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो होता था उससे थोड़ा डिफरेंट है, और यहाँ इंटरप्रेटर की वजह से प्रोग्राम रन होता है। तो आप जानते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है रेदर देन कंपाइल्ड लैंग्वेज। जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है। रोबस्ट लैंग्वेज का मतलब है कि हर तरह की सिचुएशन में, हर तरह के इनपुट्स के लिए आपका प्रोग्राम रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी रहे, और जावा इस बात को बहुत इनक्रेज करता है। और ऐसे फीचर्स हैं जावा के अंदर जिसके कारण आप ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगे जो हर तरह के इनपुट पर आउटपुट देने के लिए तैयार होंगे। तो हम इसके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो आगे की किसी लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जावा बहुत सारी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओवर द नेटवर्क अगर कोई डेटा ट्रांसमिशन होता है तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। ये कुछ ऐसे इंटरनल फीचर्स हैं। जावा में पॉइंटर्स का यूज़ वैसे नहीं होता जैसा सी लैंग्वेज में होता है, तो मेमोरी लीक्स नहीं होंगे या इलीगल मेमोरी एक्सेस नहीं होगा। तो इस तरह के कुछ रीजंस हैं जिसके कारण सिक्योरिटी को बढ़ावा मिलता है। सी प्लस प्लस में जब हम देखते हैं कि जो क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्सेस कर पाते हैं, जबकि इनकैप्सुलेशन के रूल्स के खिलाफ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल्स के खिलाफ है कि प्राइवेट वेरिएबल्स को आप क्लास के बाहर यूज़ कर लो, तो ये गलत है। जावा में ऐसा हम नहीं कर सकते। यानी जावा में अगर कोई प्राइवेट वेरिएबल बनाया है आपने क्लास के अंदर, तो आप क्लास के बाहर उसे किसी हालत में यूज़ नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी के कई सारे मायने हैं, कई तरीके से सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है जावा। इसके अलावा जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। ये एक बहुत बड़ा फीचर है जावा का, जिसके कारण जावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाता है, किसी भी तरह के आर्किटेक्चर पे रन हो जाता है। और जावा इज़ एवरीवेयर, यानी जावा आप मोबाइल पे भी देखेंगे, अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी देखेंगे, और भी कई तरह के डिवाइसेस हैं जिनमें जावा के प्रोग्राम्स चल पाते हैं। तो सेम जावा का प्रोग्राम आप किसी भी तरह के डिवाइस पे चला सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड पोर्टेबल लैंग्वेज। जावा मल्टी थ्रेडेड है। थ्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि आप अपने प्रोग्राम में कई सारे पीस ऑफ कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यदि हमारे पास एक यूनिप्रोसेसर सिस्टम है, यानी एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एक ही प्रोसेसर है, तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे टास्क जो एक साथ रन हो रहे होते हैं उनको मैनेज कर रहा होता है, और हमें ऐसा इल्यूजन होता है कि सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो एक के बाद एक रन हो रहे होते हैं टाइम स्लाइस मैनर पर शेड्यूलिंग के कारण। वैसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। हमारे प्रोग्राम के डिफरेंट पीस ऑफ कोड को हम अलग अलग थ्रेड प्रोवाइड कर देते हैं जो पैरेलली रन करते हैं। अब अगर एक सिंगल प्रोसेसर होगा तो एग्जैक्टली पैरेलल रन होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो अपनी अपनी बारी में आते हैं और रन होते जाते हैं। एक ही टाइम स्लाइस मैनर पर सबको कुछ कुछ टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और एक सर्कुलर वे में वो पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होते हैं। तो हमें ऐसा इल्यूजन होगा कि वो सारे एक साथ रन हो रहे हैं। तो ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि आगे अपन देखने वाले हैं। C++ में ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा होगा। गार्बेज कलेक्टर एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट जावा प्रोवाइड करती है। अक्सर हमने देखा है, जैसे C++ बैकग्राउंड से अगर आप लोग हैं तो आपको पता है, डिलीट नाम का कीवर्ड होता है।
डिलीट कीवर्ड की मदद से हम डायनेमिकली जो मेमोरी एलोकेट करवाई जाती है उसकी मेमोरी को रिलीज़ करने के लिए हम डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। इसी काम को करने के लिए सी लैंग्वेज में हमने फ्री फंक्शन देखा होगा। तो ये जो डायनेमिकली मेमोरी बनती है इसकी मेमोरी रिलीज़ कराना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसकी मेमोरी अपने आप रिलीज़ नहीं होती है, या तो प्रोग्राम एंड होगा तब रिलीज़ होगी या फिर हम डिलीट की मदद से उसे रिलीज़ कराना चाहेंगे तब रिलीज़ होगी। पर जावा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि हो सकता है कि आप C++ लैंग्वेज में डिलीट ना लिख पाएँ या भूल जाएँ लिखना, तो वो मेमोरी कभी भी डिलीट नहीं हो पाएगी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, और उस मेमोरी का अगर हमें यूज़ नहीं करना है तो अननेसरी वो मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही होगी। तो हम ये चाहते हैं कि जिस ब्लॉक की अब ज़रूरत नहीं है और अगर वो डायनेमिकली बनाया है तो उसकी मेमोरी रिलीज़ कर दी जाए। तो जावा ये कहती है कि आप रिलीज़ करोगे नहीं करोगे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए रिलीज़ आप मत करो। आपको डिलीट नाम का कोई कीवर्ड जावा प्रोवाइड नहीं करती है, ना ही कोई फ्री नाम का फंक्शन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर एक गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट है, जो ब्लॉक्स जो मेमोरी ब्लॉक्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, जिनका रेफरेंस किसी भी रेफरेंस वेरिएबल के पास नहीं है, ऐसे मेमोरी ब्लॉक्स को रिलीज़ करने का काम गार्बेज कलेक्टर करेगा। गार्बेज कलेक्टर आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी चल सकता है, जब उसकी ज़रूरत होगी JVM उसे कॉल कर देगा। तो एज अ प्रोग्रामर हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि गार्बेज कलेक्टर को कैसे कॉल करें, या हमें उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप मेमोरी को हैंडल कर लेगा। तो जो डिलीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हम पर थी, तो जावा ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली है, और इससे मेमोरी की कमी हमें नहीं होगी। जो मेमोरी यूज़ नहीं हो रही है और कंज्यूम थी तो उसका रिलीज़ हो जाना तय है। आइए अब देखते हैं जावा का प्रोग्राम कैसे कंपाइल और रन किया जाता है। आपको याद होगा C++ के प्रोग्राम्स किस तरीके से कंपाइल या रन किए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जावा का प्रोग्राम कंपाइल कैसे होता है। देखिए, सी और C++ के कंपैरिजन में जावा के प्रोग्राम के कंपाइल होने का मतलब अलग है। सी या C++ लैंग्वेज में जब हम कंपाइलर की मदद से अपने प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते थे तो ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होता था, जिसका मतलब ये था कि एक कंपाइलर जो सी के प्रोग्राम को डॉस के हिसाब से कन्वर्ट करेगा वो कंपाइलर अलग होगा, और एक कंपाइलर अलग होगा जो यूनिक्स के हिसाब से ट्रांसलेट करेगा या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ट्रांसलेट करेगा। तो कंपाइलर एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कोड को ट्रांसलेट करता है, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा में कंपाइलर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कोड को कन्वर्जन नहीं करता है। यहाँ पर जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो एक डॉट जावा फाइल बनाते हैं, जैसे सी में डॉट सी फाइल बनती है, C++ में डॉट CPP फाइल, यहाँ डॉट जावा फाइल। हम इसको जब कंपाइल करते हैं तो बनती है फाइल डॉट क्लास। ये फाइल कंटेन करती है जो कोड, उसको बाइट कोड बोलते हैं, इसको बाइनरी फाइल भी बोल सकते हैं। ये फाइल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आती, क्योंकि ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने लायक भाषा में है भी नहीं। तो यहाँ का जो कंपाइलर है ये C++ के कंपाइलर से थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, ये जो डॉट क्लास फाइल बनी है ये हम अपने क्लाइंट को दे सकते हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर देना चाह रहे हैं, मतलब हम डॉट क्लास फाइल देंगे। C++ में हम डॉट exe फाइल देते थे जो कि एक सॉफ्टवेयर होता था, यहाँ पर डॉट क्लास फाइल देंगे। अब डॉट क्लास फाइल को कोई भी अपने कंप्यूटर पर रन करना चाहता है तो कैसे रन करेगा? उसके पास डॉट क्लास फाइल है, उसने कहीं पर सेव करके रखी हुई है। ज़रूरत यह है कि उसके कंप्यूटर में एक और सॉफ्टवेयर हो। देखिए, उसके कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो डॉट क्लास फाइल को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि डॉट क्लास फाइल के अंदर जो कुछ लिखा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में नहीं है। तो डॉट क्लास फाइल में जो लिखा है उसको समझने के लिए एक डिफरेंट प्रोग्राम है जिसका नाम है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। और इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। अब इसके नाम पे मत जाइए, कहने को ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, पर ये एक तरह से इंटरप्रेटर है, और बहुत ही टेक्निकली जाऊँ तो ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच की एक चीज़ है। इसका काम क्या है? ये लगभग इंटरप्रेटर जैसा काम करेगा। इसका काम ये है कि आपकी डॉट क्लास फाइल में जो कोड लिखा हुआ है उसको पढ़े और उसको ट्रांसलेट कर दे ताकि आपके कंप्यूटर में बैठा ऑपरेटिंग सिस्टम उसे समझ पाए, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर करता जाएगा ट्रांसलेटेड वर्जन, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उस कोड को एग्जीक्यूट कर सके। तो इसलिए ये इंटरप्रेटर है। यहाँ पर ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, JVM के अंदर बैठा ये इंटरप्रेटर
डॉट क्लास फाइल के अंदर लिखे कोड को फिर ट्रांसलेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है, यानी ट्रांसलेट करके एक बार कहीं रख नहीं लेता, जब जब रन कराओगे तब तब ट्रांसलेशन हुआ करेगा। तो बिना JVM के आप डॉट क्लास फाइल को रन नहीं कर सकते, लेकिन ये जो JVM है ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होते हैं और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग JVM मार्केट में है। JVM फ्री होता है इंस्टॉल करने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति जो डॉट क्लास फाइल को चलाना चाहता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से JVM को कर लेता है इंस्टॉल। एक बार JVM इंस्टॉल हो गया तो अब जावा के कोई भी प्रोग्राम जो कि डॉट क्लास फाइल है उसको आपके कंप्यूटर में चलाया जा सकता है। अब देखते हैं कि इंस्टॉलेशन क्या करना होगा जावा के लिए। आपको ये जो लिंक आपको दिया हुआ है ये ओरेकल की ऑथेंटिक वेबसाइट से लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर एक आप जैसे स्नैपशॉट देख रहे हैं, जावा का एक आइकॉन बना हुआ है जावा ऐसे ही डाउनलोड्स के नीचे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक अगली स्क्रीन आएगी। इस अगली स्क्रीन पर आपको एक्सेप्ट करना है लाइसेंस एग्रीमेंट, तो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि कहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर लेते हो तो एक नया मैसेज उस जगह पर आ जाता है और नीचे आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे डाउनलोड्स के लिंक दिए हुए हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। तो यदि मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि मेरे पास विंडोज 64 बिट है तो इसके लिए मुझे ये लास्ट वाला डाउनलोड करना होगा। आप अपने हिसाब के जो आपके कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके हिसाब से सही फाइल को डाउनलोड करिएगा। ये जो फाइल मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ये एक exe फाइल है, ये बेसिकली सेटअप फाइल है। अब जब हमने डाउनलोड कर ली है फाइल तो ये फाइल का नाम कुछ इस तरीके से होगा, JDK 8U8, मतलब वर्जन नंबर 8 है, अपडेट नंबर 11 है, ये विंडोज़ 64 बिट के लिए है। तो इस तरीके से ये फाइल आपने डाउनलोड कर ली, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सेटअप स्टार्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन सेटअप का चलना स्टार्ट हो जाएगा। जो बीच में आपसे पाथ पूछेगा कि कहाँ पर आपको जावा सेव करना है, एक सजेशन है कि आप सी ड्राइव के अलावा किसी और ड्राइव में इसको सेव करें ताकि आपको बार बार परमिशंस की दिक्कत ना हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स आपको चाहिए होते हैं उसकी ज़रूरत ना हो। तो आप कहीं पे भी अदर देन सी ड्राइव में आप इसको सेव कर लीजिएगा। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका इंस्टॉलेशन सही से हुआ है या नहीं हुआ है तो जहाँ पर भी आपने पाथ दिया था वहाँ पर आप जाकर देखिए, जावा नाम का एक फोल्डर बना होगा और उस जावा फोल्डर के अंदर आप देखेंगे एक फोल्डर बना होगा JDK, एक फोल्डर बना होगा JRE। JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपर्स किट एंड JRE स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। JDK क्या है? जावा डेवलपर किट, इसके ये बेसिकली जावा में प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स की आपको ज़रूरत है, जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उसका पूरा कलेक्शन JDK कहलाता है। इसके अंदर सबसे खास दो चीज़ों के मैं नाम लेना चाहूँगा, एक तो कंपाइलर जो कि एक फ़ाइल है java.c.exe, ये भी JDK के अंदर है। इसके अलावा एप्लीकेशन लॉन्चर जिसका नाम है java.exe, ये फाइल भी आपको JDK के अंदर मिलेगी। JRE क्या है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, बेसिकली जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए इसके अंदर JVM भी होता है और क्लास लाइब्रेरीज भी होती हैं, यानी जावा में जो प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं वो भी होती हैं और जावा वर्चुअल मशीन भी होती है, जिसके अंदर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है जो कि एक तरह का इंटरप्रेटर है जो प्रोग्राम को रन करवाएगा। JVM क्या है? जावा वर्चुअल मशीन, ये आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है पर यह खुद प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट। तो जावा वर्चुअल मशीन प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोड, क्योंकि ये अभी अपन ने एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये अपन ने समझा था, तो हमें समझ में आ रहा है कि JVM अगर किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जावा के सेम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो जावा वर्चुअल मशीन इंटरप्रेट्स द बाइट कोड इनटू मशीन कोड डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर कॉम्बिनेशन, दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे आप जावा के और भी वीडियोस देखकर जावा लैंग्वेज सीख सकते हैं। थैंक यू।